और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, बुलडोजर की कार्रवाई पर बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने तहसीलदार को धमकी दे डाली और समर्थकों ने भी गाली गलौज किया। विधायक के बयान पर सीएम योगी सख्त हैं और उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि विधायक केतकी सिंह को हिदायत दी गई है कि आगे से ऐसा कुछ न हो। इस मामले में योगी सरकार ने संज्ञान लिया है, हमने आपको खबर दिखाई थी थोड़ी देर पहले, आपको सुनवाते हैं एक बार फिर। यही सम्मान तो मेरे होगी आपको लौटाएंगे, फिर इसी भाषा में, क्योंकि आपके पास था बुलडोजर की ताकत, आप लेकर चले हैं, हमारे पास सिंधु की ताकत। तो ये आप ये बताइए कि घर गिरा देते तभी, तब तो फिर पूछना ही नहीं, तब तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील में। तो पूरा आपने उस पर बुलडोजर चला दिया और अभी भी आपने मेरा सम्मान रखा है। आप पूरा घर फंसा देते, उसका मतलब नहीं है। एक बार जब विधायक जी बोल दी कि आज रुकिए तो तहसील को रोकना पड़ेगा, आग लगा देंगे हम तहसील में, क्या समझते हैं आप? बोला को बोला इसको नहीं, क्या समझते हैं आप? अभी आज की कहानी अलवे क्या समझते हैं विधायक का मतलब? अभी रुका है इतना करने के लिए, इतना फर्स्ट ₹10,000 दिया गया है लेखपाल साहब, कनगोई साहब, लेखपाल को, उसके बाद ये टूटने के लिए लेखपाल को, कनगोई साहब को अभी दिया है, उसके बाद टूटने के लिए है। लगाओ फोन, हाँ बुलाइए लेखपाल कनगोई को, जिले के उत्तर प्रदेश के विधायक है केतकी सिंह, बांसडी से विधायक हैं। इन्होंने एक ग्राम सभा की जमीन पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ तहसीलदार को घेर लिया है। तहसीलदार ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण को ढाया था, मुक्त कराया था, उसके बाद विधायक केतकी सिंह वहाँ पहुँच गई, उन्होंने गाली गलौज की, उनके समर्थकों ने विधायक तहसीलदार को धमकाया, कहा तहसील में आग लगा देंगे। अब इस मामले का संज्ञान योगी सरकार ने लिया है और केतकी सिंह को हिदायत दी गई है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो। ABP News आपको रखे आगे।